हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। बच्चों, आपकी जो बुक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसमें भी हम आप लोगों को सुपर 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सुपर 30 क्वेश्चन में जो हर एक क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छी तरह से बनाया हुआ है, और आप लोग हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग पर जाकर इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। ये पीडीएफ आप लोगों को 10 तारीख के बाद प्रोवाइड हो जाएगी। तो बच्चों, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी जो पीडीएफ है उसमें मैंने आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए हुए हैं। उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको किस प्रकार से करना है वो सभी के सभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, उसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, जैसे कि आपके अनेक धरने हैं, आपके अनेक बीम्स हैं, जैसे कि आपका हो गया कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम, इन सभी बीम्स के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बताऊंगा, और मैंने अपनी पीडीएफ में भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो उनको आपको किस तरह से करना है और आपको अपने एग्जाम की तैयारी किस तरह से करनी है वो सब मैं आप लोगों को आज यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे टू ड्रो शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए बीम, यानी कि एक बीम के लिए आप शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाएंगे उसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, और जो भी उससे संबंधित थ्योरी होगी उसे भी हम आप लोगों को बताते हुए चलेंगे। जैसे कि इसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की बात हो रही है, तो हम शियर फोर्स के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे और बेंडिंग मोमेंट के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं शियर फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। शियर फोर्स जो होता है आपका, यदि कोई धरन है आपकी और उस पर एक काट दी गई है, जैसे कि ये आप मान लीजिए कि ये एक्स एक्स की एक काट है। ठीक है, ये आपका कोई बीम है, इस पर ये एक्स एक्स की कोई एक काट है। ठीक है, इसके दाईं और बाईं ओर जो बल लगे हुए हैं, ऊर्ध्वाधर बल जो लगे हुए हैं, उनका बीजगणितीय योग ही आपका शियर फोर्स कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं बेंडिंग मोमेंट की। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जो है वो धरन के दाईं और बाईं ओर लगने वाले ऊर्ध्वाधर बलों के जो अक्ष के परिधि आघूर्ण लिए जाते हैं उनका बीजगणितीय योग आपका बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साइन कन्वेंशंस की। ठीक है, इसमें जो विधि हम प्रयोग करेंगे साइन कन्वेंशंस की विधि करेंगे, यानी कि उसमें जो हमारे बल लगे हुए हैं उन्हें हम चिन्हों के अनुसार लेंगे। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि ये आपकी कोई धरन है, ये आपकी कोई धरन है, इसका हमें एक अक्ष दिया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पर कोई बल लगा हुआ है, या फिर यहाँ पर हमें अधिकतम शियर फोर्स डायग्राम निकालना है, या फिर हमें यहाँ पर अधिकतम शियर फोर्स निकालना है, तो वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें हम जो भी धरन के दाईं ओर का जो भाग है उसमें जो बल लगे हुए होंगे, जो ऊपर की ओर बल लगा हुआ होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये ऊपर की ओर बल लगा हुआ है, इसे हम यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे धरन की काट के दाईं ओर। ठीक है, और जो नीचे को जो बल लगा हुआ है, जैसे कि अगर यहाँ पर कोई एक बल लग गया तो इसे हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के बल धरन के दाईं ओर निगेटिव लिए जाएंगे और इस प्रकार के बल धरन के दाईं ओर पॉजिटिव लिए जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें ये जो आपके बल लगेंगे ये आप पॉजिटिव लेंगे, और ये आपके जो बल लगेंगे ये आप निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं हम धरन के बाईं ओर का जो हिस्सा होता है। ठीक है, इसमें जो धरन के इस साइड में जो बल लगे हुए होते हैं ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, और जो इस साइड में जो बल लगे हुए होते हैं, जैसे कि ये बल लगा हुआ है, इसे हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिए कि जो नीचे की ओर बल लगे हुए हैं उन्हें पॉजिटिव, और जो ऊपर की ओर बल लगे हुए हैं उन्हें निगेटिव। ठीक है, तो ये इतनी बात है साइन कन्वेंशंस के लिए। ठीक है, तो ये थी बलों के बारे में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो आघूर्ण लिए जाते हैं उन्हें हम किस प्रकार से लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम बेंडिंग मोमेंट के अंतर्गत हम साइन कन्वेंशन किस प्रकार से लेते हैं, यानी कि आपकी जो रूढ़ी चिन्ह है उन्हें हम किस प्रकार से लेते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज लगे हुए बल होंगे उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के चलने की जो विपरीत दिशा होती है उसके अनुसार हम जो बल लगे हुए होंगे उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि आपका ये बल आपका लगा हुआ है, ठीक है, तो घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में लगा हुआ है तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यदि अगर आपका बल ऊपर से कोई लगा हुआ है
ठीक है। तो इसमें जो बेंडिंग मोमेंट बनाया जाएगा बेंडिंग मोमेंट के लिए, उसमें हम इसे निगेटिव लेंगे, जो भी आपका क्लॉकवाइज बल लगा हुआ होगा धन के दाईं ओर, ठीक है, तो उसे हम निगेटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम जो आपकी धरन होती है उसके बाईं ओर के जो भाग होता है उसमें हम किस प्रकार से रूढ़ी चिन्ह लेते हैं, ठीक है। तो जो क्लॉकवाइज होगा इसमें बाईं ओर, उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसे हम निगेटिव लेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि जो क्लॉकवाइज होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसे हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये थे काट के धरन के बाईं ओर और दाईं ओर जो हम रूढ़ी चिन्ह लेते हैं उन्हें हम किस प्रकार से लेते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी आधार पर जो भी आपके क्वेश्चन है उसे हम करेंगे। सबसे पहले हम बीम की बात करते हैं, आपके कौन से बीम का क्वेश्चन आज मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगा, वो है कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम का एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उसमें से हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से बना सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। चलिए तो चलिए बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक कैंटिलीवर बीम बनाई हुई है, ठीक है। इस पे जो भार लगे हुए हैं 1 किलोन्यूटन 1 किलोन्यूटन और 3 किलोन्यूटन के भार लगे हुए हैं, क्रमशः 2 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर की दूरियों पर आपस में ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस बीम का हमें शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, उसे हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें हम दो व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, दो अवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आपका कोई एक पॉइंट है बी पॉइंट पर, एक अवस्था वो हो सकती है जब उस पर कोई भार नहीं था, ठीक है, उसे हम कहेंगे भार लगने से पहले की अवस्था, जिसे हम कहेंगे जस्ट बिफोर, ठीक है। इसका चिन्ह हम इस तरह से यूज करेंगे, समझ में आ रही है बात। फिर उसके बाद जब उस पर बल आ गया है, यानी कि 1 किलोन्यूटन का भार उस पर आ गया है, उसके बाद में जो उसकी व्यवस्था होगी उसे हम बोलेंगे जस्ट आफ्टर, यानी कि उसके बाद की जो स्थिति है, ठीक है। यानी कि हमारा जो पॉइंट है उस पर बल लगने से पहले उसकी अवस्था क्या थी और बल लगने के बाद उसकी अवस्था क्या हो गई है, ये सभी चीज़ें हम पॉइंट करके लेकर चलेंगे, ठीक है। इसमें जो रूढ़ी चिन्ह है उनका हम इस तरह से यूज करेंगे, जो ऊपर की तरफ लगने वाले बल है उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे और जो नीचे की तरफ लगने वाले बल है उन्हें हम निगेटिव लेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना रूढ़ी चिन्ह के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस सवाल को शेयर फोर्स डायग्राम के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट बी की, आपका जो बी पॉइंट है उसमें हम कहेंगे एस एफ जस्ट बिफोर पॉइंट बी, ठीक है। यानी कि जब हम बी पॉइंट पर पहुंचे उस पर कोई बल नहीं था, उस पर बल 0 किलो न्यूटन था, ठीक है, क्या था उस पर 0 किलो न्यूटन। उसके बाद जब हम वहां से जा रहे हैं तो हम 1 किलो न्यूटन का भार लेकर जा रहे हैं, यानी कि जस्ट आफ्टर हम उस वहां से जा रहे हैं तो उस पर 1 किलो न्यूटन का बल लग गया है, यानी कि 1 किलो न्यूटन का बल जो है ये नीचे की ओर लगा हुआ है, इसलिए इसे हम माइनस लेंगे 1 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हम इतना जो हिस्सा है उसे हम यहाँ पर चित्र में ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ किस प्रकार से करेंगे, ये आपकी लाइन है शेयर फोर्स डायग्राम की, ठीक है। जब उस पर बल नहीं था ये अवस्था है 0 किलो न्यूटन की, ठीक है, ये बात आपके समझ में आ रही है। और इसके बाद जब इस पर 1 किलो न्यूटन का बल आ गया है तो इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो इतना झुक गया है, यहाँ पर आ गया 1 किलो न्यूटन। तो यहाँ तक हमें अब पता चल चुका है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, हम अब पहुँच रहे हैं पॉइंट सी पर, जस्ट बिफोर पॉइंट सी, यानी कि हम जब सी पॉइंट पर पहुंचे तो हमारे पास माइनस के 1 किलो न्यूटन का भार था, समझ में आई बात आपकी, माइनस के 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन का भार था यहाँ सी तक, तो इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर पहुंचे जब हम तो 1 किलो न्यूटन का भार था, ठीक है। फिर जब हम यहाँ से जाएंगे जस्ट आफ्टर तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 1 ऊपर से जो ये बल आया हुआ है इसे भी हम यहाँ पर जोड़ लेंगे -1 और -1, क्योंकि ये ऊपर से ये भी बल जो है ऊपर से ही लगा हुआ है इसलिए इसे हम यहाँ पर जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा -2 किलो न्यूटन। यानी कि इस पॉइंट पर जब हम पहुँचेंगे
तो इस पर एक किलो न्यूटन का बल और है, वो हमें और नीचे को धकेल देगा, तो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम थोड़ा और नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब एक किलो न्यूटन का तक, एक किलो न्यूटन तक का झुकाव ये है और एक किलो न्यूटन तक का झुकाव ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 किलो न्यूटन। तो हमारा जो डायग्राम है वो यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जब हम सी पॉइंट से आगे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि डी पॉइंट की तरफ। जब हम यहाँ से आगे जाएंगे तो जितना भी बोझ हमारे सर पर रखा हुआ है उसे हम साथ लेकर जाएंगे इस पॉइंट तक। ठीक है, यानी कि आगे चलने का जो क्रम है उसे मैं क्या बोलता हूँ, जस्ट बिफोर, यानी कि जस्ट बिफोर सी डी पर पहुंचने से पहले, डी पर पहुंचने से पहले। ठीक है, जस्ट बिफोर डी पर पहुंचने से पहले हम हमारे पास कितना लोड है, माइनस के 2 किलो न्यूटन का। ठीक है, फिर जब हम जस्ट आफ्टर पहुंच चुके हैं वहां पर डी पर, तो कितना लोड हो चुका है, हमारा लोड हो चुका है 3 किलो न्यूटन यहां पर और आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम पहुंच रहे हैं डी पर हम यहां पर पहुंच गए और 3 किलो न्यूटन का लोड आकर फिर हमारा डायग्राम ये हो गया, 1 किलो न्यूटन यहां तक और 1 किलो न्यूटन यहां तक। लेकिन जब हम इस पॉइंट पर पहुंचे तो यहां से 3 किलो न्यूटन का और लोड लग गया है, यानी कि 3 किलो न्यूटन हम और नीचे चले जाएंगे, और नीचे जाने के बाद हमारा डायग्राम कुछ यहां तक पहुंच जाएगा जहां ये हो जाएगा 5 किलो न्यूटन तक का। ठीक है, तो यहां ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो हम यहां पर कितना चल रहे हैं, 2 किलो न्यूटन तो हमारे पास पहले ही था और माइनस के 3 किलो न्यूटन और हमारे पास आ चुका है, तो ये हो जाएगा माइनस के 5 किलो न्यूटन। यानी कि जब हम डी पॉइंट पर पहुंचे तो 5 किलो न्यूटन का लोड हमारे सर पर आ गया था, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम पहुंच गए शेयर फोर्स डायग्राम में। ठीक है, अब डी पॉइंट से हम आगे की तरफ जब जा रहे हैं, जो हमारी बीम का फिक्स एंड है उसकी तरफ जब हम जा रहे हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर जब हम डी से यहाँ तक जब हम पहुंचेंगे तो जितना हमारे ऊपर लोड आ रहा है, यानी कि 5 किलो न्यूटन, ये साथ साथ चलता रहेगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों की? ठीक है, ये साथ साथ चलता रहेगा और फिर जब हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे जस्ट बिफोर पॉइंट ए, ठीक है, जस्ट बिफोर 8.8 हम यहां पर पहुंचे तो हमारे पास 5 किलो न्यूटन का लोड था। लेकिन जब हम इस पर ए पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, उसके बाद 5 किलो न्यूटन का भार जो था हमारे पास, ठीक है, वो उसमें जुड़ जाएगा 5 किलो न्यूटन। ये क्यों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 0 किलो न्यूटन। यहां तक ये हो जाएगा आपका, ये 5 किलो न्यूटन है और ये यहां पर जाकर 0 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये 5 आपका क्यों जुड़ चुका है, क्योंकि ये जो हमारा कैंटिलीवर बीम का फिक्स एंड है, ये जो हमारा कैंटिलीवर बीम का फिक्स एंड है, इसकी कैंटिलीवर पर, यानी कि इसका जो स्पैन है, इस पर जितना भी लोड आ रहा है वो उसकी प्रतिक्रिया यहां पर हो रही है ए पॉइंट पर। तो ये जो प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया इन सभी बलों की योगफल के बराबर होगी, यानी कि इधर जितना भी बल आ रहा है या फिर लोड लग रहा है, वो जितना भी भार है वो इस प्रतिक्रिया के द्वारा ही बियर किया जाएगा। ठीक है, इस प्रतिक्रिया के द्वारा ही बियर किया जाएगा, तो इसलिए ये आर ए का मान भी हमारा 5 ही होगा। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0 किलो न्यूटन यहाँ पर ए पर पहुंचने पर। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई, तो ये बन जाएगा आपका शेयर फोर्स डायग्राम। इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी हम दिखा सकते हैं इसे। ठीक है, तो बच्चों शेयर फोर्स डायग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं कि आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात यह है, जो आपके एंटी क्लॉकवाइज जो बल लगे हुए होंगे उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे और जो क्लॉकवाइज बल लगे हुए होंगे उन्हें हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम पॉइंट बी की। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट बी। ठीक है, इस पर अब आप देखिए यहां पर ये 1 किलो न्यूटन का बल है, लेकिन इसकी जो दूरी है वो कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 है। जब इस एक की इसकी दूरी से गुणा होगी तो इसका मान भी 0 हो जाएगा, यानी कि जो बी पॉइंट पर जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपका 0 किलो न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, तो जो आपका बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है, उसमें जो आपका बल होता है
उसकी किसी भी बिंदु तक की जो दूरी होती है उसका गुणनफल आपका बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। जैसे कि आपका सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पर अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो जो इस सी पॉइंट पर जो भी भार आ रहा है, जैसे कि 1 किलो न्यूटन का भार यहाँ से आ रहा है और इसकी जो दूरी है उसका गुणनफल आपका बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से हम करेंगे। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट सी। ठीक है, जो आपका सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट है वो किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए आपका जो ये बल लगा हुआ है ये किस प्रकार का बल है, इसके क्रिया रेखा क्या है। जब ये ऊपर से नीचे की ओर लगा हुआ है, अगर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में आप डिस्कस करें तो आप किस प्रकार से बता सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये बल आपका जो लगा हुआ है ये आपका बल क्लॉकवाइज है, इसलिए इसे हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो निगेटिव 1 किलो न्यूटन गुणा इसकी जो दूरी है सी पॉइंट तक की वो है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अब हमने बेंडिंग मोमेंट जो हमारा सी पॉइंट पर है वो हमने ज्ञात कर लिया है, कितना है, माइनस के 3 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए आप हमारा पॉइंट है बी, यहां पर कितना था, 0 किलो न्यूटन मीटर था आपका बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट पर भी हमने ये ड्रॉ कर दिया है कि ये पॉइंट है आपका जब 0 किलो न्यूटन था, अब ये तीसरा जो पॉइंट है तो इसका झुकाव माइनस के 3 किलो न्यूटन हुआ है। अब हम मानते हैं कि ये जो झुकाव है इसका यहाँ तक ये होगा, हम यहाँ मान लेते हैं कि ये पॉइंट है आपका जहाँ पर ये 3 किलो न्यूटन मीटर का झुकाव आ गया है। आप एग्जाम में करते हुए किस प्रकार से मानेंगे, आप कोई भी स्केल मान सकते हैं कि 3 मीटर जो है आप 3 सेंटीमीटर मान सकते हैं। ठीक है, तो वहीं तक का आप झुकाव दे दीजिए। इसी प्रकार इसी क्रम से आप आगे बढ़ते रहिए, आप अपना डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को जैसे कि आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को इसी प्रकार से बताऊंगा। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट लोड जो होता है उसका जो झुकाव होता है उसका झुकाव रेखीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 किलो न्यूटन मीटर का होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो गई है। अब हम इस सी पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस सी पॉइंट से आगे बढ़ने पर हमें डी पॉइंट प्राप्त होगा। इस डी पॉइंट पर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसे हम देखेंगे। बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट डी, तो यहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट आप किस प्रकार से ले सकते हैं। जैसे कि हम डी पॉइंट पर यहां पर बात करेंगे तो जितने भी इधर के जो लोड आ रहे हैं उनका आघूर्ण हम डी पॉइंट पर लेंगे। सबसे पहले हम 1 किलो न्यूटन का जो बल है इसका आघूर्ण यहां पर लेंगे। इस बल का मान और गुणा इसकी यहां से यहां तक की जो दूरी है, यानी कि माइनस के 1 गुणा यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 3 और 2 5। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, यहां से यहां तक ये आ गया माइनस के 5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा जो पॉइंट है हमारा सी, यहां से भी एक बल लगा हुआ है, यहां से जो ये बल लगा हुआ है इसकी दूरी कितनी है, 2 मिलीमीटर, यानी कि माइनस के 1 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 5 और माइनस के 2 माइनस के 7 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यानी कि जो डी पॉइंट है उस पर बेंडिंग मोमेंट माइनस के 7 किलो न्यूटन मीटर का आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक की बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम आगे, जब हम पहुंचे ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 8.A, सबसे पहले इससे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ डी पॉइंट तक का डायग्राम कितना हो जाएगा, माइनस के 7 किलो न्यूटन। हम मान लेते हैं कि 7 किलो न्यूटन यहां तक आ रहा है आपके स्केल में। ठीक है, तो इसे हम यहां से यहां तक जोड़ देंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता चल गई। अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट 8.A, यहां तक आपका बेंडिंग मोमेंट कितना है ये हम अब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो 1 किलो न्यूटन का बल है ये यहां से यहां तक लगा हुआ है, तो इसकी दूरी कितनी है, 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि माइनस के 1 गुणा 7। ठीक है, फिर माइनस ये जो 1 किलो न्यूटन का बल लगा हुआ है सी पॉइंट पर, इसकी दूरी यहाँ तक कितनी है, 4, माइनस के 1 गुणा 4। फिर माइनस ये 3 किलो न्यूटन का बल है, इसकी दूरी है 2 मीटर, यानी कि 3 माइनस के 3 गुणा 2, तो ये टोटल कितना हो गया, 7 और 4 11 11 और 6 17, यानी कि माइनस के 17 किलो न्यूटन मीटर, जो आपका ए पॉइंट है उस पर 17 किलो न्यूटन मीटर का लोड आ रहा है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना बन जाएगा, यहाँ मान लेते हैं हम कि आपका जो तीसरा पॉइंट है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसे यहाँ से यहाँ तक मिला दिया हमने, तो ये हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस कैंटिलीवर बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रकार से आपको कैंटिलीवर बीम के
जो भी क्वेश्चन है इसी प्रकार से आपको बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम के डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने कैंटिलीवर बीम के बारे में समझ लिया है। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उस पर जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम होता है उसे हम किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।